गुड मॉर्निंग बच्चों, सामाजिक ज्ञान के इस क्लास में हम आर्थिक अवधारणाएं के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले कुछ क्लासों में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की शुरुआत की, कब हुई, किसने करी, इसके बारे में भी पढ़ा था। अब किसके द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इन सब बातों का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में भी हम आर्थिक अवधारणाओं से संबंधित कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, सतत पोषणीय विकास, समावेशी विकास, इन सब बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे इनका कि कौन कौन सी गतिविधियां आर्थिक क्षेत्र की इस समय समाहित रहती है, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इनका अध्ययन करने से पहले हम अगर देखें कि क्या क्या स्थिति आर्थिक वृद्धि की है, क्या स्थिति आर्थिक विकास की है, किस तरह से आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि आपस में एक दूसरे से संबंधित है, इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं कि जिन देशों की आय अधिक होती है, एक धारणा बनी हुई है कि जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है। अपने सामान्य जीवन में भी चलता है कि जिस परिवार की या जिस व्यक्ति की आय अधिक होती है तो उनको, उन व्यक्तियों को कम आय वाले व्यक्तियों से अधिक धनी कि अधिक विकसित समझा जाता है। अब क्यों समझा जाता है कि अधिक आय का जो अर्थ है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। आय क्यों चाहिए, ज्यादा आय क्यों चाहिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। पैसा होगा तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक वस्तुओं का उपलब्ध होता है। जितनी ज्यादा मानवीय आवश्यकता होगी तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उतनी ही अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उतना ही अधिक पैसे की या आय की आवश्यकता पड़ेगी। यानी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक वस्तुओं का होना जरूरी है। और विभिन्न राष्ट्रों की अगर हम बात करें, देश की अगर बात करें कि हमने जो राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय की बात करी थी कि पहली क्लास में कि एक देश की टोटल इनकम इनका अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य वो क्या कहलाता है, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय से यह तो पता चल सकता है कि किसी देश की वित्तीय स्थिति कैसी है, लेकिन उससे यह पता नहीं चलता है कि उस देश के प्रत्येक नागरिक की वित्तीय स्थिति कैसी है। इसलिए राष्ट्रीय आय के बाद हमने एक औसत आय का भी फार्मूला आपको बताया था कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, देखो राष्ट्रीय आय से तो देश की आर्थिक स्थिति का पता चल रहा है, लेकिन औसत आय से
या प्रति व्यक्ति आय से उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि वास्तव में उस देश की स्थिति क्या है। क्योंकि राष्ट्रीय आय संपूर्ण देश की राष्ट्रीय आय होती है, वो आय सभी व्यक्तियों में बराबर बटी हुई है ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के इस भौतिक पदार्थ अर्थ पदार्थ युग में कि पैसा कुछ लोगों तक सीमित तक रह गया है। यानी कहने का मतलब है कि अमीर लोगों की संख्या बहुत कम है और गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय के फार्मूले से जो हमने आपको फार्मूला में निकाला बताया था, प्रति व्यक्ति आय निकालने का कि प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय वर्षा कुल देश की जो भी जनसंख्या है वो जनसंख्या कुल राष्ट्रीय आय में अगर देश की जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। और इस प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से प्रति व्यक्ति या औसत आय के माध्यम से ही हम किसी भी देश की में रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं और उस देश में गरीबी और अमीरी का औसत स्तर भी हम इससे बता सकते हैं। यहाँ पे दो बातें अपन ने करी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अगला जो अपना पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है, इन दोनों में अगर जो भी वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं, आर्थिक वृद्धि के नाम से जानते हैं। यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक देश की ठीक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक देश के विकास के स्तर को मापने का एक माध्यम है। एक देश का विकास स्तर कैसे मापेंगे कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय उसके द्वारा एक देश के विकास के स्तर को मापेंगे। जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगी आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को एक देश के विकास के स्तर और कल्याण की भी अगर हम बात करें कि इसका मापने का विकास के स्तर हो कल्याण के मापने का पूरा ही क्यों कहेंगे ट्रेंड जिसको देखी एक देश की राष्ट्रीय आय देख लो और एक देश की प्रति व्यक्ति आय देख लो तो उस देश के विकास का स्तर पता चल जाएगा, उस देश के कल्याण का स्तर पता चल जाएगा। तो ये कहना भी एक अतिशयोक्ति है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों हम कहेंगे विकास का स्तर
सिर्फ प्रति व्यक्ति आए के नाम से ही उसका पता चलेगा तो वो कहना एक अतिशयोक्ति है, सिर्फ वही एक माध्यम नहीं। क्योंकि जब व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों की बात करते हैं जब हम, तो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या यूं कहें कि आय ही एक माध्यम नहीं होगी। आय के अलावा भी ऐसी कोई दूसरी चीजें भी हैं जो व्यक्ति के विकास के स्तर को बताती है। इसमें हम बात करें कि सबसे पहले वह खुदमती जी जो भी अपनी सुरक्षा, पैसा खूब है लेकिन सुरक्षा ही नहीं, पैसा पैसा भी किस काम का है। इसलिए व्यक्ति को जो प्रथम चीज की आवश्यकता पड़ती है वो होती है अपनी सुरक्षा। दूसरी चीज दूसरों से आदर व समानता मिलना। दूसरों से आदर भी मिले, दूसरों से समानता भी मिले, यानी दूसरे हमारे साथ समानता का व्यवहार करें, आदर का व्यवहार करें। स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता भी हमको प्राप्त हो। मैं बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों की, जो आय के अलावा जो दूसरे हैं, जो दूसरी चीज कि हमको स्वतंत्रता भी मिले। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के कल्याण के लिए सिर्फ आय ही एक माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आकांक्षाएं जो लक्ष्य हैं, जिसमें वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा भी चाहता है, दूसरे व्यक्तियों से आदर भी चाहता है, अपनी समानता भी चाहता है कि दूसरे व्यक्तियों से समानता और आदर का व्यवहार उसके साथ किया जाए, स्वतंत्रता उस व्यक्ति को मिले, तो इन चीजों का होना भी एक विकास राष्ट्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। विकसित सामाजिक संरचना, अगर अपन बात करें कि बात करें विकसित सामाजिक संरचना, और अच्छा पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण अगर हम चाहते हैं, अगर हम ये सोचेंगे अपने पास पैसा तो तू आए अपने तू में, लेकिन उससे हम विकसित सामाजिक संरचना नहीं खरीद सकते, एक अच्छा पर्यावरण हम नहीं खरीद सकते, शुद्ध हवा हम उससे नहीं खरीद सकते। इसलिए व्यक्ति के जो आकांक्षा और लक्ष्य होती है उनमें ये चीजें भी शामिल है कि एक अच्छी सामाजिक संरचना में उसका निवास हो और एक अच्छा पर्यावरण उसको मिले, शुद्ध हवा में वो सांस ले। तो उसके लिए सिर्फ आय जरूरी नहीं कि हम देखेंगे आय के माध्यम से, अपनी इनकम के माध्यम से, पैसों के माध्यम से इन चीजों को खरीद लेंगे तो ऐसा संभव नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जिन देशों की आय राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कम भी है, जिन उनकी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कम भी है, लेकिन वो विकसित देशों की तुलना में ज्यादा सुखी है। अपने देश के राज्यों का उदाहरण है, पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य काफी विकसित राज्य है, काफी पैसे वाला राज्य है, लेकिन दूसरे मापदंडों की अगर बात करें, शिक्षा की या स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा के स्तर या स्वास्थ्य के स्तर की बात करें, तो दृष्टि में केरल आगे है। तो वही चीज है कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। ये विकास की एक आवश्यकता है कि ये मानना जाने लगा है केवल आर्थिक वृद्धि ही है नहीं है हमारा, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो आर्थिक बात को अपन कर रहे, इन आयामों में भी वृद्धि होना आवश्यक है। यानी जीवन के सभी आयामों में वृद्धि होना भी आवश्यक है। जो सिर्फ आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं वहां पे वो आर्थिक वृद्धि के अंदर हम जीवन के अन्य आयामों को भी मेजर कर देते हैं। इसलिए एक नवीन अवधारणा उस समय आजकल अस्तित्व में आई है, वो है आर्थिक
विकास। एक एक नवीन शब्द और देखने में आया कि आर्थिक विकास, इसमें क्या होता है कि इसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया आर्थिक विकास कहलाती है। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया आर्थिक विकास कहलाती है। यानी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों की, यानी पैसा तो आएगा, पैसा आने के साथ साथ जीवन के अन्य आयाम में, जो भी हमने बात करी राजनीतिक आयामों की, सामाजिक आयामों की, आर्थिक आयाम तो साथ साथ चले रहे, तो उनकी बात करी, तो इन सब आयामों में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो वो आर्थिक विकास कहलाता है। यहाँ पे दो चीजें आपके सामने हैं कि एक आर्थिक वृद्धि और दूसरा आर्थिक विकास, ये दो चीजें हैं जो अपने इस समय सामने आई है, क्या आर्थिक वृद्धि है और क्या आर्थिक विकास है, उसकी परिभाषा हमने आपको बताई। अब इन्हीं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का हम थोड़ा विस्तारित अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आर्थिक वृद्धि। जैसे कि हमने आपको भी परिभाषा में बताया कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यूं कहें कि समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय में, समय के साथ साथ राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन और राष्ट्र की आय में जो वृद्धि होती है उसको हम आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं। सरल शब्दों में आर्थिक वृद्धि बड़ी हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति, आर्थिक वृद्धि क्या है, बड़ी हुई राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति। इस रूप में भी कहते हैं कि राष्ट्रीय आय बड़ी हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के रूप में सूचित करते हैं। ये अर्थव्यवस्था के आकार का प्रत्यक्ष माप, ये अर्थ यह है अर्थव्यवस्था के आकार का प्रत्यक्ष माप, अर्थव्यवस्था है उसके आकार का, इसको हम प्रत्यक्ष माप के रूप में देख सकते हैं। राष्ट्रीय भौतिक मानवीय पूंजीगत संसाधनों की मांग, भौतिक मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रा, ठीक है, ध्यान देना, राष्ट्र के भौतिक मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रा में वृद्धि,
मात्रा में वृद्धि, यानी मात्रा में तो वृद्धि होनी ही होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि, मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ क्या गुणात्मक वृद्धि में भी वृद्धि कर, जो गुणात्मक गुणात्मक वृद्धि कर उसको कुशल हाथों में, यानी एक जो वृद्धि होगी तो उसको कुशलता के साथ उसका उपयोग किया जाए, और जो वो राजकीय आए हैं या पक्की देते आ रहे हैं उसका उचित रूप से जो कहें कि एक तरह से साफ सरल शब्दों में कहें कि इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो जिससे उत्पादन का स्तर सुधरे या भौतिक संसाधनों का स्तर सुधरे, तो वही चीज क्या कहलाएगी, आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अब बात करेंगे अपन दूसरी जो अपना दूसरा जो अगला बताया था आपको, दूसरा पॉइंट वो था आर्थिक विकास। हमने अभी भी बात करी थी आपको इसकी परिभाषा में बताई थी कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में कई अन्य आयाम, जीवन की गुणवत्ता क्या है, अन्य आयाम बताया, सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, तो ही अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन, यानी एक अच्छा परिवर्तन हो तो उस अच्छे परिवर्तन को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। यानी आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक प्रक्रिया, आर्थिक विकास है वह आर्थिक वृद्धि की तुलना में एक व्यापक प्रक्रिया मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि हमने आर्थिक वृद्धि की बात करी तो आर्थिक वृद्धि में हमने सिर्फ दो ही चीजें ली, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। यही दो चीजें ली थी, जबकि आर्थिक विकास में हमने इन दोनों के साथ साथ, यानी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जो व्यक्ति के जीवन को, यानी उच्च जीवन स्तर को जीने के जो अन्य आयाम, यानी पैसे के अलावा जो या भौतिक संसाधनों के अलावा जो अन्य आयामों की आवश्यकता होती है वो भी शामिल होता है। यानी इसमें तो सिर्फ दो चीजें शामिल, इसमें उन दो के अलावा आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम, भौतिक संसाधन, सब की इस आर्थिक विकास में सम्मिलित होता जाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है, यानी वो बताती है कि किस तरह से देश का आर्थिक विकास हो चुका है, सामाजिक विकास हो चुका है, राजनीतिक विकास हो चुका है। यानी आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, आपको ऐसा करके बताते हैं, आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल राजनीतिक अनुकूल राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक तथा संस्थागत परिवर्तनों का योग, यानी
भारतीय ब्रिटिश तथा अनुकूल राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक तथा संस्थागत परिवर्तनों का योग क्या है? वो योग आर्थिक विकास है। यानी किसी भी राज्य के विकास के स्तर तथा कल्याण के मापक के रूप में जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक वृद्धि की तुलना में बेहतर माप या अच्छा माप माना जाता है। सामाजिक विज्ञान के विकास क्रम में जब ये स्वीकार किया गया, जब सामाजिक विकास चल रहा था, तो सामाजिक विकास के क्रम में जब इस बात को स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर, जो राष्ट्रीय आय है तथा प्रति व्यक्ति आय है, उस प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकास के स्तर को मापने का एक मात्र आयाम या सही तरीका नहीं है। इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ कुछ दूसरी अवधारणाएं भी इसमें हमको शामिल करनी पड़ेगी, जिसमें सतत विकास, समावेशी विकास और मानव विकास सूचकांक। इन चीजों को भी जब आर्थिक विकास के साथ साथ शामिल किया जाएगा तब आर्थिक विकास की यह अवधारणाएं काफी लोकप्रिय होंगी। यानी हमारे पास तो चीजें हो रही है, एक सतत विकास, एक समावेशी विकास और मानव विकास, ये तीन ही चीजें हो रही है। इसको ये इनको भी पढ़ते हैं कि क्या चीजें हैं, इसको उतारो कर। अब बात करते हैं अपन सतत विकास या धारणे पोषणीय विकास। क्या है ये सतत? सतत विकास यह है कि हम तरक्की करें तो तरक्की करें, लेकिन जो तरक्की कर रहे हैं इस तरक्की में जो भी हम संसाधन, खासकर जो प्राकृतिक संसाधन, उनका जो उपयोग कर रहे हैं, उनका जो उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारे बाद जो पीढ़ियां आएंगी उन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इन संसाधनों को बचा के रखें, यानी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनको भी जरूरत पड़ेगी, तो आने वाली जो पीढ़ी है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना विकास करना, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना किया गया विकास, वो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की सत्ता से समझौता किए बिना
किया गया विकास क्षमता से किया गया विकास या वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, ये क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी साफ शब्दों में कह सकते हैं कि आज जो भी हम विकास कर रहे हैं और उस विकास के लिए जो भी हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का दोहन हमको इस हद तक करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे हुए रहे। इस संबंध में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि हमारे पास लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास लोगों के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमको आज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, अपने लालच को पूरा नहीं करना। अगर हमने इस बात को सीख लिया कि हमको सिर्फ आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो निश्चित रूप से हम धारणी विकास, धारणी पोषणीय विकास ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने उपलब्ध जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि निश्चित मात्रा में एक समय में आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए जो हम संसाधन, जितने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, ताकि वो भविष्य के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे हुए रह सके। अगर हमने अपने लालच को पूरा करने की कोशिश करी, तो निश्चित रूप से यह संसाधन आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं बचे। यही सतत विकास या धारणीय पोषणीय विकास के विकास के अनुभव उसको अब बात करते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होगा? कि समावेशी विकास वही विकास क्या हो सकता है? सिर्फ इसमें यह है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहिए। जो भी हमने अपने विकास करा, उस विकास से जो भी लाभ हो रहा है, वो लाभ समाज के सभी वर्गों तक आराम से पहुंच जाए। यानी उस लाभ का जब वितरण हो, तो उस वितरण का कोई आधार नहीं होना चाहिए, उसका आधार सिर्फ यही के होना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे देश का या भारत का नागरिक। यानी उस व्यक्ति के साथ ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अपाहिज व्यक्ति हो, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हो, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ का समुचित अवसर या समुचित भाग मिलना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति उस जो लाभ से, जो आर्थिक लाभ है, उस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए। यानी समावेशी विकास यही है कि जो समाज की जो वंचित वर्ग है, एक समावेशी विकास क्या है? अगर साफ सुथरे कहें, जो समाज के वंचित वर्ग है, वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हैं। जो समाज के वंचित वर्ग है, तो समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हैं। वही क्या है? समावेशी विकास। यानी
विकास के में ये समाज विकास का जो लाभ है उस विकास के लाभ में समाज का कोई वंचित वर्ग पीछे नहीं छूट जाए या उसको जो लाभ है विकास का जो लाभ है आर्थिक लाभ है वो लाभ उसको नहीं मिल पाए ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबर का लाभ मिलेगा तो वह निश्चित रूप से समावेशी विकास आएगा, चाहे उसको अपनी जीविका उपार्जन के लिए आर्थिक अवसरों की उपलब्धता हो चाहे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता हो सभी समान रूप से उसको मिलनी चाहिए, यही समावेशी विकास। अब बात करते हैं बच्चों अगला जो विकास था मानव विकास। जो मानव विकास की धारणा है ये धारणा 1990 में अस्तित्व में आई। धारणा का 1990 में ये धारणा अस्तित्व में आई और इसी के साथ ही मानव विकास इसके साथ ही मानव विकास सूचकांक की बात भी या सिद्धांत पे अस्तित्व में आया यहाँ पे भी मानव विकास और मानव विकास सूचकांक ये उसका एक अंक निर्धारित किया। महबूब उल हक सबसे पहले ये बात करी थी महबूब उल हक ने सबसे पहले ये मानव विकास सूचकांक की बात संयुक्त राष्ट्र संघ में करी थी और संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में तीन आयामों का उन्होंने वर्णन किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में तीन आयाम थे वो था ज्ञान स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ज्ञान स्वास्थ्य जिसको अपन जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं और जीवन स्तर, इन तीन स्तरों की उन्होंने बात करी थी कि ज्ञान विकास ज्ञान स्वास्थ्य और जीवन स्तर को शामिल करते हुए मानव विकास के स्तर को मापने का कि संतान विकास कार्यक्रम तीन आयामों को शामिल किया ज्ञान को स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा को और जीवन स्तर को, इन तीन को शामिल कर कि मानव विकास होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है कि उसकी शिक्षा का स्तर कितना है उसके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है जीवन प्रत्याशा कितनी और उसके जीवन स्तर क्या है, इन तीनों को मिलाकर एक उसने बात करी मानव विकास सूचकांक की एक अंश निर्धारित किया कि मानव विकास सूचकांक क्या होना चाहिए क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए। यह सूचकांक इसलिए तैयार किया गया कि विकास के परिणामों का एक विकास हुआ तो विकास के परिणामों का जो अंतिम स्तर है किस स्तर तक कहने का मतलब जो विकास के परिणाम है उन विकास के परिणामों का अंतिम स्तर की कसौटी को नापना था कि कहां पर एक विकास के परिणाम की कसौटी के स्तर को मापना यानी किस हद तक मनुष्य का या मानव का विकास किया गया एक उसका एक इन्होंने मूल्यांकन करने का कि उसका मूल्यांकन करने की एक कसौटी का एक स्तर उन्होंने उस समय नाम दिया यही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इस मानव विकास सूचकांक में कई विकास के मुद्दों
को अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित बना, यानी जहां पहले विकास की बात करते थे वहां सिर्फ अर्थ केंद्रित होता था, पैसे से बात होती थी कि कितना हमने पैसा कमाया, उस पैसे को छोड़कर अब मनुष्य केंद्रित बना दिया और ये राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने का एक प्रभावी सूचकांक बन गया। ये मानव विकास सूचकांक की धारणा थी। तो बच्चों आज हमने आज की क्लास में मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हमने आपको काफी विस्तार से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं को समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।